आज का जो हम बिहेवियर करेंगे ये उस बच्चे के बारे में है जो अपनी जगह पर टिक कर नहीं बैठता। और जब मैं कह रही हूँ कि अपनी जगह टिक कर नहीं बैठता, तो बेसिकली बच्चे का मसला क्या होता है कि ये ऐसी जगह मौजूद होता है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, यानी ये अपनी क्लास में से स्नीक करके किसी और जगह पे चला जाता है, या तो ऐसी जगह चला जाता है या ऐसा काम करना शुरू कर देता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, और इसकी डायरेक्ट सुपरविजन बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर वक्त इस पे नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सा टीचर बिजी हुई या कोई किसी और तरफ वो देख रही है, किसी और को वो टेंशन दे रही है, इस बच्चे ने चुप करके अपने ग्रुप से, अपनी क्लास से निकल कर कहीं चले जाना है। और ये अकेला जाएगा, ये नहीं करेगा कि अपने साथ किसी को लेकर जाए। कभी कभार होगा कोई इसका दोस्त है तो उसको साथ लेके चला जाएगा। ऐसी जगह पे जाके ये बैठ सकता है जैसे बाथरूम है, या कोई लाइब्रेरी एरिया है, या वो जगह है जहाँ पे कोई उसको नोटिस नहीं करेगा क्योंकि वो क्लास से निकल रहा है। वहाँ से इसके पास कोई भी जस्टिफाइड रीज़न नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे निकल के जाएंगे तो वो वाकई वॉशरूम यूज़ करना चाह रहे हैं, पानी पीना चाह रहे हैं, उनकी नीड है। जैसे टेक्टाइल बच्चे हैं तो उनकी नीड है, उन्होंने बार बार पानी पीने के लिए जाना है। ये बच्चा कोई ऐसी डिमांड नहीं करता, ये बस चुप करके निकल गया है। आप इसे पूछ रहे हैं कि वाई आर यू स्टैंडिंग ओवर हेयर, आप यहाँ पे क्यों मौजूद हैं, तो उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है आपको बताने का। वो बिल्कुल खामोश होकर आपकी शक्ल देखना शुरू कर देता है, या ऐसा रीजन देता है जो कि जस्टिफाइड नहीं होता। इसकी कोशिश होती है कि हर मौका ऐसा देखे जिसमें वो अपनी क्लास को मिस कर सके, या जो स्ट्रक्चर्ड टाइम है उस पे जो एक्टिविटी हो रही है वो मिस कर दे। इसीलिए इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, यानी टीचर को हर वक्त इसकी फिक्र भी रहती है, इस पे नज़र भी रखनी पड़ती है कि ये यहाँ से निकल जाएगा। चलें जी बताएं, ऐसा जब स्टूडेंट होता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं? यू सॉर्ट ऑफ फील बर्डन एंड स्केयर, मतलब कि बच्चा अभी कुछ करने लगा है और आप अपने लेसन की ध्यान रख रहे हो ना, कि आप उसको वेट करते हैं कि ये भाग ना जाए। ठीक है। कई दफा बच्चे अपने आप को हर्ट भी कर लेते हैं ना ऐसे। फ्रस्ट्रेशन आई थी। एक तो ये कि टीचर आउट ऑफ कंट्रोल फील करती है, और टीचर को अपना लेसन कई दफा इंटरप्ट करना पड़ता है, क्लासरूम अनसुपरवाइज छोड़ना पड़ता है। अगर उसके पास कोई हेल्पर नहीं है तो जाहिर है वो बच्चा उसकी क्लास में से एकदम निकल गया है, क्योंकि ये स्नीक करके जाएगा, ये अनाउंस करके नहीं जाएगा। आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, सारी क्लास आपके साथ इन्वॉल्व है, और ये चुप करके वहां से निकल गए, और अब आप परेशान हैं कि ये बच्चा किधर चला गया। फिर इसी वजह से आपका वही लेसन, उसकी कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट हो सकती है, उसका इम्पैक्ट इफेक्ट हो सकता है, बाकी बच्चों के लिए आपका लॉस हो सकता है। टीचर को कई दफा लगता है कि मैं डिटेक्टिव ही बन गई हूँ, बजाय इसके कि मैं यहाँ आके पढ़ाऊं, मैं सारा दिन इस बच्चे को फॉलो कर रही हूँ, ये किधर गया, ये क्या कर रहा है, और उसी के पीछे मुझे लगना पड़ रहा है। बाकी बच्चे होते हैं वो जब ये देख रहे होते हैं कि टीचर उसी बच्चे पे फोकस कर रही है, उसको ढूंढ रही है, उसको पकड़ के ला रही है, बाकी बच्चे जो होते हैं वो रिजेंटफुल हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, वो इस बच्चे को पसंद नहीं करते। उनको ये लग रहा होता है कि टीचर इस बच्चे को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है। सो ओवरऑल जो क्लास का एटमोसफेयर है वो डिस्ट्रस्ट का हो जाता है। अच्छा, कई लोग इसको ना समझते हैं कि ये बच्चा अगर ये बार बार निकल के चला जाता है क्लास में से, तो ये कहीं चोरी कर रहा है, किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। हो भी सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा वो काम ना कर रहा हो। अच्छा, इसमें कॉमन गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो होती है वो ये है कि स्टूडेंट को सबके सामने अटैक कर दिया, सारी क्लास के सामने उसको कहा कि आप यहां बैठे हैं, आपने नहीं जाना, या आप क्यों कहीं गए थे, और या ये कि टीचर कई दफा कहती है वाई शुड आई बॉदर, कि अब मैं इसी के पीछे जाती रहूं, मेरी सारी क्लास खराब होती है। उसको नजर भी आ रहा होता है वो बच्चा मिसिंग है, या वो कहीं निकल के जा रहा है, लेकिन वो कहती है मैं अब इसके लिए कुछ नहीं करूंगी, वो हैंड्स अप कर लेती है उस बच्चे पे। क्या ये कि वो इस बिहेवियर को इतना नापसंद करती है कि अगर कभी वो बच्चा अच्छा काम भी क्लास में कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती, उसका मिजाज उस बच्चे के साथ बड़ा उखड़ा हुआ सा हो जाता है। ये स्कूल में बहुत ज्यादा होता है, बच्चे आके कंप्लेन करते हैं कि टीचर को मैंने अगर कोई बात कही है तो इन रिजल्ट टीचर मेरे साथ इस तरह लेने शुरू। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या सेटअप में जब टीचर बेचारी परेशान हो जाती है और उसको ये नहीं पता होता कि मैंने इस बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, तो वो फिर हमारा जो गलतियां हैं ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, विदाउट रियलाइजिंग हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। चलें अब करना क्या है, इस बच्चे का जो प्राइमरी रीजन है क्या ख्याल है? चार रीजंस थे जिसकी वजह से बच्चे मिसबिहेव करते हैं: पावर, रिवेंज, अटेंशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, पावर है, यानी जब जहां रूल ब्रेकिंग होगी वहां पे सबसे पहली चीज आपने पावर की सोचनी है। तो यहाँ पे वो बेसिकली क्या कर रहा है, ओपन डिस्प्ले ऑफ पावर कर रहा है।
अगर हम उस बच्चे का बैकग्राउंड देखें तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत से अनसक्सेसफुल या पेनफुल एक्सपीरियंस हुए होते हैं क्लास में, उसकी वजह से उनको ये लगता है कि हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत बुरी हो चुकी है, या बच्चे क्लास में हमारा मजाक उड़ाते हैं, या टीचर हमें वो वैल्यू नहीं देती, तो वो उस पेन को अवॉइड करने के लिए या दोबारा उस हर्ट को अवॉइड करने के लिए क्लास में से चुप करके बाहर निकल जाते हैं। उनका उस क्लास में बैठने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं किसी बात पे उसका, या टीचर मे बी उसको लफ्जों से कुछ नहीं कह रही लेकिन बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टेक्ट से बता रही है कि तुम फिर बाहर चले गए, तुम तो क्लास में बैठते नहीं हो, तो बच्चे को तो फौरन मैसेज मिल गया ना। कई दफा हम कहते हैं मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो जो इरिटेशन है हमारी और वो जो आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग है वो हमने बच्चे को कन्वे कर दी। नॉट वेलकमिंग एटीट्यूड। तो जब आपने ये वाला एटीट्यूड बच्चे को कन्वे कर दिया, अब बच्चे का क्लास में बैठने को दिल नहीं चाहता। आप देखें ना, हम अपने ऊपर अगर लगाएं तो कहीं अगर हमें लगता है कि हम वेलकम नहीं है तो हमारा दिल चाहता है वहां जाने को? नहीं, हम दोबारा नहीं जाते। ये तो हमारे बच्चों की माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर दे कि जिस तरह हम एडल्ट्स जो होते हैं कई दफा उनके साथ बिहेव करते हैं, फिर भी वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फिर भी वो दोबारा हमारे ये सारे एटीट्यूड्स बर्दाश्त करते हैं। फिर ये कि इन बच्चों की लैक ऑफ अचीवमेंट होती है। एक वो बच्चा है ना जो आप कहते हैं कि वो टेक्टाइल है, वो वॉशरूम में चला जाता है, वो भाग के इधर उधर चला जाता है, उसके बारे में टिपिकली टीचर ये कहती है ये बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है, जब मैं इसे सवाल पूछती हूँ इसको आता होता है। लेकिन ये वो वाला बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसकी अचीवमेंट्स भी नहीं इतनी हो रही, वो लॉस्ट नजर आ रहा है आपको, उसको बहुत से काम नहीं करने आ रहे और उसको हमेशा ये लगता है कि सब लोग मुझे लुक डाउन करते हैं क्लास में, या उसका कोई फ्रेंड नहीं है, या उससे कोई बात नहीं करता, या उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो टीचर ने करनी है इस सारी चीज को अंडरस्टैंड करके, ये देखना है कि क्या वजह है ये बच्चा क्लास से बाहर जाता है। आपने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। अगर आपने डिटेक्टिव प्ले ही करना है तो सबसे पहले आप अपने क्लासरूम एनवायरमेंट में या जो आप पढ़ाने का एक पूरा एनवायरमेंट आपका क्रिएट हुआ है उसमें ढूंढें, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, अपनी इरिटेबिलिटी देखें, क्या वो बच्चे तक तो नहीं जा रही है, इसी तरह बाकी बच्चों का बिहेवियर उसके साथ कैसा है, जब आप कोई सवाल करती हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, उसको कितनी इंकरेजमेंट मिलती है किसी काम को करने के लिए। ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए टाइमली, इसलिए कि अगर किसी वजह से वो बच्चा कहीं बाहर निकल गया, उसको कोई नुकसान पहुंच गया, तो पेरेंट्स को टाइमली पता हो कि इस बच्चे का एक इशू आ रहा है और ये क्लास से निकल जाता है। आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म जो करना होता है, कोशिश ये करनी होती है कि टीचर खुद ना इन्फॉर्म करे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है क्योंकि टीचर कई दफा बहुत ज्यादा कामों में ऑक्यूपाइड होती है, वो क्लास को देख रही है, वो बहुत सी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रही है और एकदम पेरेंट्स सामने आया और उसको कहा कि जी आपका बच्चा तो मेरी क्लास में टिकता नहीं है और पता नहीं कहां चला जाता है, तो वो तो पैनिक हो जाएगा ना माँ के लिए या पेरेंट के लिए। तो हमेशा आप अपनी अथॉरिटी को बताते हैं, जो भी सीनियर अथॉरिटी आपका हेड है आप उसे बता देते हैं, और वो हेड जो है वो पेरेंट्स को बुला के बात करता है और फिर उनको बताता है, इन्फॉर्म करता है कि हमें इस बच्चे के साथ इश्यू आ रहा है और हम उसके लिए ये स्ट्रेटजीज इख्तियार कर रहे हैं। यानी आपने सोल्यूशन बेस्ड काम करना होता है, क्योंकि कई इदारों में ये होता है कि बिहेवियर हो रहा है आपका स्कूल में या इदारे के अंदर, पेरेंट को बिठा के कहते हैं आप इसको समझाएं यहां पे बिहेव करे। ये सबसे रिडिकुलस किस्म का जुमला है जो कि हम एज टीचर बोलना शुरू कर दें, या एज अथॉरिटी किसी इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी होके आप उनको ये बता रहे हैं कि माँ बाप घर में बैठे हुए, बच्चा स्कूल में, बच्चा इदारे में, टीचर इदारे में, और वो वहां से कोई टेलीपैथी के जरिए अपने बच्चे को बिठाएं कि बेटा प्लीज आराम से बैठना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे ताकि अगर कोई मसला आपको उस बच्चे का हो रहा है तो वो पेरेंट्स के नोटिस में हो, लेकिन आप उनको क्या बताते हैं कि आपके बच्चे का ये बिहेवियर हमने ऑब्जर्व किया है और उसके लिए हमारा ये प्लान है और हम उसके साथ इस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा प्लान आप उन्हें बताते हैं ताकि वो फिर इन्फॉर्म्ड हो। अगर किसी वजह से देखें बच्चा बार बार स्नीक कर रहा है, उसका लेसन कंप्लीट नहीं है, कई दफा आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहां रिटन वर्क करवा रहे हैं उसकी वो कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो उस पेरेंट को पता होगा और फिर आप उसको तरीका बताएंगे कि उसको कैसे कंप्लीट करें। आप अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं पेरेंट के साथ। तो मैं तो हर वक्त इनसिक्योर फील करूंगी घर में कि मेरे बच्चा वहां से अगर कहीं चला जाता है, दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पांसिबिलिटी, तो फिर मैं तो स्कूल भेजू ही ना इसको। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ था और वो स्कूल में बिल्कुल सबक नहीं सुना रही थी और बिल्कुल उसका बिहेवियर ना अपोजिट था, और घर में उसने बातचीत करना तकरीबन समझे खत्म कर दिया था, बहुत ही रेयर, और हालांकि वो बहुत बोलने वाली है। जब मैंने स्कूल से हटाया तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे उसने बातचीत खत्म कर दी थी
उसका स्ट्रेस ज्यादा होगा और उसको शायद ये फिक्र होगी कि अगर घर में बात हुई मेरे पे ब्लेम आएगा। यूजुअली होता ये है कि जब भी स्कूल में कोई इशू होता है ना, तो हमें सोल्यूशन ही दिया जाता, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हमें बता दिया जाता है तो पेरेंट भी फ्रस्ट्रेट होता है और वो बच्चे को आके सिर्फ यही कहता है तुमने किया क्यों। बच्चा डिस्टर्ब स्कूल में होगा, उसका बिहेवियर आपको बताएगा। अच्छा, सोल्यूशन के लिए आपको दो चीजों को देखना है, एक होती है वरीड कंसर्नड अप्रोच और एक होती है व्हाट अप्रोच। वरीड कंसर्न ये है कि आप बहुत परेशान हैं और आप बार बार सोचती हैं अब क्या होगा, आप अपने घर में भी सोच रही हैं, क्लास में आने से पहले भी सोच रही हैं, क्लास लेते हुए भी आपको ये परेशानी है। और व्हाट ये है कि अच्छा बच्चे ने ये काम तो किया है, क्यों किया है, और फिर उससे आगे आ जाता है कि ये क्यों जा रहा है, मैं उसके बारे में देखूं कि किस तरीके से क्या एफर्ट मैं कर सकती हूं कि उसको यहां पे मैं बिठाऊं। बच्चे को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी होगी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, और बच्चे से आप प्रॉमिस लेंगे जहां आपको बिठाया जाएगा आप वहां बैठेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा आप पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो क्लास से जाने के बजाय आप आकर मुझसे बात करेंगे, इसलिए कि आप उसे कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं कि आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो इसमें मैं आपको फैसिलिटेट करूंगी, आप क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, आप मुझसे डिस्कस करेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप डेवलपमेंट। फिर इसके बाद ये कि आप उसको क्लासरूम में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे, यानी उसको एक नजर आए कि आई हैव सम प्रोडक्टिविटी, सम रोल इन द क्लासरूम। उसकी आपने सेल्फ एस्टीम हाई करनी है, जहां वो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना है, उसके पेरेंट्स को भी आप ये चीज सिखा सकते हैं। उसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है, सेल्फ डिसिप्लिन यही है कि कोई काम गलत हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है। क्लासरूम से बाहर जाते वक्त आपने परमिशन लेनी है, वो अभी भी स्नीक करेगा, फौरन थोड़ी आपकी बात सुन के बैठ जाएगा, लेकिन अब आप उसको हर दफा यही मैसेज ड्रिल करेंगे, बाकी एक्टिविटीज उसकी बढ़ाते जाएंगे। आप जब भी पेरेंट्स के साथ मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, तो आप उनको एक आउटलाइन देंगे कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, ताकि जब पेरेंट्स भी बच्चे से बात करें तो वो सिर्फ उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम क्लास से बाहर क्यों जाते हो, तुम बैठते क्यों नहीं हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, हर शख्स उसको एक्सपेक्टेड बिहेवियर बताएगा, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। फॉलो अप करेंगे कि पहले कितना स्नीक करता था, अब कितना कर रहा है, क्योंकि हम भी तो ओवरनाइट रिजल्ट्स चाह रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि आज मैंने इसको ये बात बता दी, अब ये बिल्कुल 100% नहीं 200% ठीक होके बैठ जाए, अम्मा अब्बा को भी बता दिया तो बस सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। मसलन पहले अगर वो हर क्लास में जाता है या तीन तीन दफा जाता है तो एक दफा जाएगा, या महीने में 10 दफा जाता था तो 8 दफा जाएगा, अब हम कहें कि नहीं अभी भी जा रहा है, मैंने तो सब कुछ कर लिया, तो आपको बाकायदा अपने पास कहीं चार्टिंग करनी पड़ेगी कि पहले कितना था अब कितना है। और फॉलो अप बहुत हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हम हर वक्त ये सोचें कि इसको मैंने क्लास में इतना इंगेज करना है कि ये बाहर ना इतना जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए।